Hello everyone, welcome back again to the next video in Indonesia. Today we are on Dieng Plateau और ये Dieng Plateau का highest peak point है जो कि हम जो last उसमें देखा था highest altitude का गांव जो था उसको cross करने के बाद और ये आपको देख रहे हो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि लोग यहाँ से जब आपका क्रॉप रेडी रहता है तो और टोमेटोज पोटैटोज या कैबेज जो भी आपने उगाया हुआ है जब वो ऑलरेडी पक जाता है तो उस टाइम पे कैसे पिक करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये बड़ी हाइट पे है और यहाँ पे रोज़ आना या कभी भी कुछ भी पिक करने के लिए आना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और ये जो माउंटेन आप देख रहे थे धीरे धीरे ये पिक पॉइंट जो है वो यूज होता है, जनरली लोग आते हैं अर्ली मॉर्निंग में और सनराइज और सनसेट के लिए यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि बारिश आ गई थी इस टाइम पे और जो बादल थे उन्होंने पूरा ये पिक पॉइंट कवर कर दिया था और हम लोग इस टाइम पे मॉर्निंग में आ नहीं पाए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले थे जो कि जकार्ता से आए थे, बाइकर्स थे जो रोड ट्रिप पे आए थे और उनको जकार्ता से और यहाँ डिएंग तक आने में 12 घंटे का टाइम लग गया था, मोर देन 12 आवर्स। और जो डिस्टेंस है वो ओनली 300 किलोमीटर्स है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ जावला आइलैंड में रोड कैसे हैं, क्योंकि प्लेन एरिया बहुत कम है, एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जकार्ता को क्रॉस करने में ही वो बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम लग गया और ऊपर से जो रोड है वो हिली एरिया में है तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल नहीं सकते। और इसलिए हम लोग भी जब आए मॉर्निंग में यही सोच के आए थे कि आएंगे तो मे बी सनराइज़ देखेंगे, बट जो लोग हमसे पहले आए हुए थे वो भी नहीं देख पाए सनराइज़ क्योंकि ऑलरेडी उस दिन रेनी डे था, काफ़ी क्लाउडी था और बादल सब थे इधर उधर और बारिश हो रही थी, तो जो लोग आए वो भी नहीं देख पाए। फिर हम लोग आए तो थोड़ा आसमान आप बोल सकते हो साफ था और ये पॉइंट प्रोबेबली सबसे हाई पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे लोग बैठ के सेल्फी वेल्फी लेते होंगे प्रोबेबली। तो मैं भी ऐसे ही एक बार चढ़ के देखने ट्राई किया और काफ़ी स्लिपी हो गया था क्योंकि जो मिस्ट था वो काफ़ी था और बारिश भी थोड़ा आने को हो गया था और उससे स्लिपरी सा वो हो गया था यहाँ पे पूरा एरिया। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ है कि बारिश का मालूम नहीं कभी भी शुरू हो सकती है, यहाँ रेन का सीज़न जो है वो 7-8 महीने तक चलता है और कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो एक छोटा शेल्टर उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं अगर बारिश वारिश आए या और कुछ वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से। सनराइज़ अगर आपको देखना है तो बेटर है उस दिन आप वेदर पहले से ही देख ले कि वो क्लीन रहेगा नेक्स्ट मॉर्निंग तो आप आएँ, तो यहाँ पे सनराइज़ वगैरह दिखेगा, सनसेट भी दिखेगा और बादल इस पीक पॉइंट से नीचे रहता है तो जो सनराइज़ है वो काफ़ी अच्छा होता है व्यू और सिमिलरली सनसेट का भी व्यू काफ़ी अच्छा होता है। बट हमारे लिए सब स्पॉयल हो गया और बारिश 2-3 घंटे तक होती रही तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बारिश में यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी तेज़ हो गई थी बारिश और इंटेंसिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर गई थी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं बारिश में ही। हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।